Hi guys, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel English with Milab. Dosto, aaj ka hamara topic hai past indefinite tense. Ye past indefinite tense सभी टेंसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम इस टेंस को हर हाल में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले यहां पर आप समझिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता क्या है. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किए जाने की बात हो लेकिन वो सब्जेक्ट उस काम को करता नहीं है, कर चुका होता है, यानी कि वो पास्ट टेंस जो कि बीते काल में सब्जेक्ट द्वारा किसी काम को कर दिया गया हो. सब्जेक्ट ने कोई काम कर दिया वो पास्ट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस है या नहीं है. इसीलिए हम हिंदी के सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं और आइडिया लगा लेते हैं कि हिंदी के सेंटेंस के या हिंदी के वाक्य के अंत में किस तरह का साउंड आ रहा है. तो सबसे पहले हम साउंड पे बात करते हैं. देखिए, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंदर ऐसा सेंटेंस हिंदी का वाक्य जिसके लास्ट में आ ई ए का साउंड आए, जैसे वह नाची, हम भागे, वह पढ़ी, वे खेले, ऐसे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनेट टेंस का हिस्सा होते हैं. यहां पर सेंटेंस है, देखिए, वह नाची, यहां पर नाची, ई का साउंड आ गया, ये देखिए. इसीलिए ई का साउंड जब आया तो आप देख सकते हैं ये लड़की नाची, यानी कि पास्ट में अतीत में ये लड़की नाची. हम भागे, यहां पर आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं आइडिया कि जब ये लड़की अपने पास्ट के बारे में कुछ बताएगी तो वो ये बोलेगी हम भागे, हम दौड़े, हम खेले. तो यहां पर देखा आपने भागे ए का साउंड आ गया है यहां पर, ध्यान से देखिए. इसी तरह से रोहन खेला, अब रोहन ने फुटबॉल खेली लेकिन रोहन क्या बता रहा है, रोहन खेला, या हम बताएं रोहन बहुत खेला, तो यहां पर खेला. जब भी किसी हिंदी के वाक्य के अंदर मुख्य क्रिया के साथ अंत में आ ई ए का साउंड आता है आप समझ जाइए वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, जैसे नाची, ई, भागे, पढ़ी, खेले, तो आ ई ए का साउंड आप देख सकते हैं इन वाक्यों के अंत में आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, राइट. और देखिए मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं अगर किसी वाक्य के अंत में लिया, दिया या किया आए तो भी वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही होता है. जैसे उसने नाच लिया, आ का साउंड आया, हमने भाग लिया, भागने का, भाग लिया, आ का साउंड आया, रोहन ने खेल लिया, हमने कहता ना हमने काम पूरा कर लिया, उसने अपनी नींद पूरी कर ली, आ ई ए का साउंड जब वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ लगकर आए अंत में तो वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है. ऐसे भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस को आप पहचान सकते हैं, लिया, दिया, किया, मैंने ये काम कर लिया, उसने ये कर दिया, हमने ये किया, ऐसे सेंटेंसेस के अंत में अगर शब्द आते हैं तो भी वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही होता है, राइट. तो यहां तक तो हमें पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान किस तरह से हम कर सकते हैं. अब यहां पर हम ये पहचानते हैं कि जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कौन से रूल को अप्लाई करेंगे. अब जरा यहां पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस के भी 6 टाइप्स के सेंटेंसेस आप बना सकते हो. सबसे पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव, राइट. सबसे पहले अफर्मेटिव. अफर्मेटिव के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस ये ही ऐसा होता है, यानी कि पूरी ग्रामर के अंदर, कंप्लीट, संपूर्ण ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर के अंदर सिर्फ एक ही टेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस ऐसा होता है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है. अदरवाइज अगर ये टेंस ना होता तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस अगर ना हो ग्रामर के अंदर तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का तो इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं होता, राइट. लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि इसके सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है. लगा क्या है, डिड, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो पहला सेंटेंस तो बहुत ही ईजी है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाओ और फिर ऑब्जेक्ट लगाओ. अगर आपने बोला मैं पढ़ा, बहुत ही आसान है, पहले मैं के लिए इंग्लिश आप लगाओ आई और पढ़ा की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी, तो आप स्टडी में स्टडीड कर दोगे, यानी कि इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के बना दोगे. आपको बोलना है मेरी मम्मी सोई, तो ई का साउंड आ गया, मेरी मम्मी के लिए आप लगाओ माय मदर. कितना इजी सेंटेंस है, देखो माय मदर और सोई यानी कि सोना, वर्ब क्या है, स्लीप, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, माय मदर स्लेप्ट और आपका सेंटेंस हो गया माय मदर स्लेप्ट, मेरी मम्मी सोई. देखा आपने कितना इजी सेंटेंस है ये, इस तरह से बनाना. लेकिन जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आपको डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, राइट. अभी हम सेंटेंस बना के देखेंगे.
अब यहाँ पर आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के अंदर आप क्या कर रहे हैं, किसी से सवाल कर रहे हैं। इसमें आप वाक्य के शुरू में लगाते हैं क्या, राइट right? तो यहाँ पर जब क्या बोलेंगे तो डिड आपका सेंटेंस के फ्रंट में होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ये ध्यान रखना, जो रेड कलर में देख रहे हो ना, बस आपको इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। अब यहां पर देखिए डिड लगा हुआ है, यहां पर नॉट लगेगा क्योंकि यहां पर आप किसी से सवाल भी पूछते हैं और उसमें नहीं भी होता है। जैसे रोहन सोया, रोहन नहीं सोया, क्या रोहन सोया, ये देखो डिड रोहन स्लीप, डिड रोहन स्लीप, क्या रोहन नहीं सोया, डिड रोहन नॉट स्लीप, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है, वाई के साथ डिड का यूज किया गया है। वाई डिड रोहन स्लीप, रोहन क्यों सोया, वाई डिड रोहन स्लीप, अच्छा रोहन कैसे सोया, तो भी हम वाई की जगह पे क्या लगा देंगे, कैसे सोया, हाउ डिड रोहन स्लीप। यानी कि यहां से यहां तक कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, डब्ल्यू एच फैमिलीज बदलती जाएंगी, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली नेगेटिव, रोहन क्यों नहीं सोया, वाई डिड, यहां पे क्या रहेगा हमारा रोहन, यहां पर क्या रहेगा वाई, ये क्या है हमारा डिड, वाई डिड रोहन नॉट स्लीप, रोहन क्यों नहीं सोया, आप ऐसे बना सकते हैं, वाई डिड रोहन नॉट स्लीप, ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए हमने लगाया नहीं, कहां सोया, अगर बेड पर सोया तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ये पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिक्स टाइप और इनके रूल। चलिए अब और आगे चलते हैं। अब आपके सामने ये सेंटेंसेस है और इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए आई ए का साउंड आना चाहिए वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, साथ में नाची, भागे, पढ़ी, खेले, ये सब इसके उदाहरण होते हैं। जैसे देखिए, क्या उसने मुझे गाली दी, सबसे पहले ये देखिए सेंटेंस उन सिक्स टाइप में से कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, डब्ल्यू एच फैमिली है या डब्ल्यू एच फैमिली नेगेटिव है, तो क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा डेट, डेट से इसकी शुरुआत करेंगे, डेट उसने, यानी कि किसी लड़के ने या लड़की ने, तो या आप ही लगा लो या शी लगा लो, तो हमने लगाया डिड ही, क्या उसने मुझे गाली दी। अब यहां पर गाली देना अब्यूज, और इसकी सेकंड फॉर्म इसमें डी लग जाएगा और अब्यूज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सेकंड फॉर्म की जरूरत हमें नहीं है, सेकंड फॉर्म तो वो बोलेगा जो इसका आंसर देगा, क्या उसने मुझे गाली दी, हाँ उसने तुम्हें गाली दी, तब आएगा। लेकिन यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है, और एक वाक्य में एक ही बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ग्रामर का बहुत बड़ा रूल आज आपको बता रहा हूं। तो डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पता है ना आपको, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन, तो हम यहां पर सेकंड फॉर्म का गेम खेल रहे हैं आज। डिड ही, क्या उसने मुझे गाली दी, डिड ही अब्यूज। अब आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, डिड ही अब्यूज किसे, मुझे, मुझे के लिए क्या लगाएंगे, मी और आपका क्वेश्चन मार्क, डिड ही अब्यूज मी, क्या उसने मुझे गाली दी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, क्या राधा ने स्कूल का काम किया, लिया, दिया, आ का साउंड आया और ऊपर से किया, लिया, दिया जब आए तब आपको इसे पास्ट इनडेफिनिट टेंस में बनाना है। क्या लगा हुआ है, सेम बनाइए वैसे ही, डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा, डिड राधा, ये हो गया डिड राधा, ये हुआ डिड राधा ने स्कूल का काम किया। अब काम किया यानी कि कंप्लीट, डिड राधा कंप्लीट स्कूल का काम यानी कि होमवर्क, डिड राधा कंप्लीट होमवर्क या क्लास वर्क, इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। डिड राधा कंप्लीट, आपने देखा सवाल जब मैं किसी से कर रहा हूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूं, बट दिक्कत तब है जब इसका आंसर दिया जाएगा, जब कोई आंसर देगा तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके आंसर देगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब दो सेंटेंस और दिखाता हूं, ध्यान से देखिए सेंटेंस को, ध्यान से देखिए, क्या राधा आपसे नहीं मिली, देखा मिली, मिलना, मिलना क्या वर्ब है, मीट, मीट बोलते हैं मिलने को, मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है मेट, तो हमें इससे मतलब है, ठीक है, इससे या डिड से। तो क्या राधा आपसे नहीं मिली, तो ये क्या है, सवाल भी है और इसमें नहीं का यूज भी किया गया है, यानी कि नॉट का यूज भी होगा। तो क्या राधा आपसे नहीं मिली, डिड राधा, ये हमारा सब्जेक्ट है, डिड राधा, उसके बाद आप लगाएंगे नॉट, क्योंकि जब भी वाक्य में नॉट आता है और इंटरोगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद लगता है, डिड राधा नॉट किससे नहीं मिली, आपसे, नॉट मीट यू। आप समझ रहे हैं ना मैं यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, राइट। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आप तब लगाना जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे, यानी कि हां वाला सेंटेंस, ठीक है। उसने तुम्हें पत्र क्यों लिखा, यहां पर क्यों आया, डब्ल्यू एच फैमिली का यूज किया गया है,
तो यहां पर हम क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई। वाई के बाद तुरंत आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेट। उसने तुम्हें पत्र क्यों लिखा, वाई डिड, किसने, उसने, सब्जेक्ट लगाओ, वाई डिड ही पत्र लिखा, लिखना, वाई डिड ही राइट, वाई डिड ही राइट अ लेटर, किसको, तुम्हें, टू यू, ये बन गया सेंटेंस, वाई डिड ही राइट अ लेटर टू यू, राइट। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आप कुछ सेंटेंसेस और देखिए अभी। तो अब तक आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे कर सकते हैं। अगर किसी हिंदी के वाक्य के अंत में लिया, दिया, किया आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के बना सकते हैं। अगर लिया है, दिया है, किया है, लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूं। अगर लिया था, दिया था, किया था, आए वाक्य के अंत में तो आप उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मत बनाना, ठीक है। अब यहां पर कुछ सेंटेंस और हैं जिनसे बच्चों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। अगर किसी वाक्य के अंत में ता था, ते थे या ती थी आए तो आपको फोकस करना है कि उसकी जो मुख्य क्रिया है वो कौन सी है, क्या वो एक्शन वर्ब है या वो नो एक्शन वर्ब है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं ये एक्शन वर्ब और नो एक्शन वर्ब में डिफरेंस क्या है। देखिए, एक्शन वर्ब वो होती है जिसमें बॉडी मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल प्ले, जब आप कोई चीज खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे या हॉकी खेलोगे या बैट बॉल खेलोगे तो आपके हैंड्स की मूवमेंट होगी, मूवमेंट हुई तो एक्शन वर्ब। डांस, डांस कैसे करोगे, ऐसे खड़े होकर डांस करोगे, डांस करने के लिए नाचना पड़ेगा और हाथ पैर हिलेंगे, मूवमेंट होगी। और बॉडी मूवमेंट अगर हुई तो बेटा एक्शन वर्ब है। ईट, खाना कैसे खाओगे, ऐसे खा लोगे, नहीं, खाना पड़ेगा हाथ, खाना पड़ेगा, बॉडी मूवमेंट। और जहां बॉडी मूवमेंट हो एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब है तो बॉडी मूवमेंट है। और बॉडी मूवमेंट अगर आ जाए और उस वाक्य में बॉडी मूवमेंट वाली वर्ब है और वाक्य का अंत हो रहा है ताथा, तीथी, तेते से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मत बनाना। कैसे बनाओगे आप उसे, बनाना या तो यूज्ड टू से या फिर वुड लगा के बना देना। सेंटेंस अभी आपके सामने आएंगे लेकिन पहले इधर चलते हैं। नो एक्शन वर्ब्स कौन सी होती हैं, देखो ध्यान से देखना, नो एक्शन वर्ब्स होती है जिसमें नो बॉडी मूवमेंट होता है, मतलब बॉडी का मूवमेंट होगा ही नहीं। देखिए, थिंक, सोचते हो कभी आप, बॉडी मूवमेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं, बस बैठे बैठे सोच लेते हो किसी के बारे में बहुत अच्छा या किसी के बारे में भी बहुत बुरा, तो ये बॉडी मूवमेंट नहीं है, राइट। लव, प्यार किसी से करते हैं, मैं बोलूं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इसके लिए मुझे क्या बहुत बड़ी बॉडी मूवमेंट करनी पड़ रही है, नहीं, प्यार तो अंदर होता है, फील होता है, एक यार फील होता है। ऐसे ही बिलीव, मैं भगवान में बहुत विश्वास रखता हूं, मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं भगवान के बारे में, हे प्रभु मैं आप पे बहुत विश्वास रखता हूं, बोल नहीं रहा हूं मैं, सोच रहा हूं सिर्फ, ये तो बिलीव है मेरा, मैं अंदर ही अंदर फील करता हूं कि यस, इस दुनिया में भगवान है, भगवान नाम की कोई चीज है, गॉड एग्जिस्ट, तो यहां पर मैं बिलीव कर रहा हूं। ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं ना, इसमें बॉडी मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो हमारे इनर सेंस से आता है, फील से आता है, टच करने से आता है, जो अंदरूनी टच होता है, तो ये नो एक्शन वर्ब्स होती है, नो बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती इनके लिए। अगर किसी वाक्य के अंदर थिंक, लव, बिलीव, नो एक्शन वर्ब्स हो और वाक्य का अंत ताथा, तीती, तेथे से हो रहा हो तो उसे या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाओ या फिर उसे यूज टू और वुड से भी बना सकते हैं। तो यहां पर तो ऑप्शन है बट यहां कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे एक्शन वर्ब दे रखी हो और वाक्य का अंत ताथा, तीती, तेथे से हो रहा हो, तब उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मत बनाना, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब जरा यहां पर सेंटेंस देखिए और बताइए ये एक्शन वर्ब है या नो एक्शन वर्ब है, फिर आइडिया लगाना। देखो, तुम मुझे पसंद करते थे, ते थे आ गया, सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया कि ते थे तो आ गया। अब हमें ये देखना है कि एक्शन वर्ब है या नो एक्शन वर्ब है, बस इतना देख लो, सिर्फ इतना सा पहचान लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, पसंद करना लाइक, किसी को लाइक करना, लाइक करता हूं, यानी कि मतलब ये हुआ कि जब आप किसी को देखते हैं और पसंद करते हैं तो उस टाइम आपको बॉडी मूवमेंट नहीं करना पड़ता, बस आप उसे पसंद कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो वर्ब है ना, ये कौन सी वर्ब है, ये नो बॉडी मूवमेंट वर्ब है। और जब ये है तो आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस को या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे या फिर यूज टू और वुड से भी बना सकते हैं। तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही सामान्यता बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे, तुम मुझे पसंद करते थे तो पहले लिखेंगे यू, और पसंद करना यानी कि लाइक, लाइक में आपने डी लगाया तो हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, यू लाइक्ड किसे, मुझे, यू लाइक्ड मी। जनरली लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही बनाएंगे इस सेंटेंस को, ठीक है। तो यूज टू और वुड में भटकने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहां पर ये सेंटेंस देखिए, इसको काटिए, थोड़ा गलती हो गई है,
वो भगवान पर विश्वास करता था, वो माने लड़का कोई तो ही, अब विश्वास करता था आ गया ना लास्ट में, और विश्वास करना यानी कि बिलीव, ही बिलीव्ड किस पर, इन, ही बिलीव्ड इन गॉड, इस तरह से बनेगा राइट। अब आप यहां पर ये पूछ सकते हैं मेरे से कि सर पर के लिए तो ऑन आना चाहिए राइट, लेकिन यहां पर इन क्यों लगाया, तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब है ना बिलीव, इसको हमेशा प्रेपोजिशन इन से ही बनाया जाता है, यानी कि बिलीव अगर वर्ड आ रहा है तो उसके बाद आप इन ही लगाएं, बस आप इतना समझ लीजिए ठीक है। अब एक संडे देखिए, रोहन सीमा से प्यार करता था, फिर आया हमारा ताता, और प्यार करना क्या होता है यानी कि लव, और लव भी अंदरूनी ही होता है, इसके लिए हाथ पैर हिलाने की और दिखाने और जताने की जरूरत नहीं होती, तो यहां पर आप इसे भी समझ सकते हैं कि ये एक नो एक्शन वर्ब है। संडे कैसे बनेगा, रोहन सीमा से प्यार करता था, तो आप एक ही चीज लिखेंगे रोहन, उसके बाद LOVED लव्ड, रोहन लव्ड किससे, सीमा, रोहन लव्ड सीमा, रोहन सीमा से प्यार करता था, ऐसे बना सकते हो सेंटेंस ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ और सेंटेंसेस पे जिससे आपको यह पता चलेगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा या नहीं बनेगा, क्या वो नो एक्शन वर्ब है या वो एक्शन वर्ब है, क्या उनके भी लास्ट में ताथा तीदी तेथे लगा हुआ है, चलो देखते हैं। अब यहां पर आपके सामने है कुछ सेंटेंसेस, बड़े ध्यान से देखिए, सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेंटेंस देखिए, तुम मेरे साथ खेलते थे, अब खेलने के लिए तो बॉडी मूवमेंट चाहिए भैया, क्रिया होगी, बॉडी मूवमेंट होगी, तो यहां पर ये एक्शन वर्ब लगी हुई है और लास्ट में लगा हुआ है ताथा तीदी तेथे, तो इसको आप सिर्फ यूज्ड टू और वुड से बनाएंगे। इन सेंटेंसेस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बिल्कुल भी कतई भी मत बनाना ठीक है। जैसे तुम मेरे साथ खेलते थे, तो इंग्लिश बनेंगे यू यूज्ड टू प्ले किसके साथ, मेरे साथ, विथ मी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ध्यान रखना दोनों के साथ ही, टेंशन मत लेना ठीक है। यूज्ड टू, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो मुझसे बात नहीं करती थी, अब यहां पर बात नहीं करती थी के लिए यूज्ड टू का नेगेटिव क्या होता है, यूज्ड टू का नेगेटिव होता है डिड नॉट, और यूज वापस फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा डिड नॉट यूज टू, क्योंकि यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसकी सेकेंड फॉर्म होती है यूज्ड, जब इसको नेगेटिव करेंगे तो डिड हमारा सेकंड फॉर्म में आ गया, जब ये ऑलरेडी आ गया तो इसको इसने फर्स्ट फॉर्म में कर दिया। और मैंने आपको अभी बताया था कि ग्रामर के अंदर जब भी कोई सेंटेंस आप बनता है तो रूल है सेंटेंस के अंदर एक ही बार वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है, दोबारा नहीं आ सकती, इसीलिए यहां पर ये रूल चलेगा। वो मुझसे बात नहीं करती थी तो हम बोलेंगे शी डिड नॉट यूज टू टॉक टू मी, आप ऐसे बोल सकते हैं। वो कार चलाता था, ताता तीती तेते आ गया, और चलाना, चलाना ड्राइव हाथ मूवमेंट होगा, हैंड मूवमेंट होता है, चलाते हैं मोड़ते हैं, तो वह कार चलाता था कैसे बनाएंगे, वो कार चलाता था यानी कि ही। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आपको लगाना है ही यूज्ड टू ड्राइव द कार, या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप यूज टू हटाओ और यहां पर लिखो ही वुड ड्राइव द कार, यहां पर You would, used to हटा दो, बस सिर्फ ये करो used to हटा दो, would लगा दो, बाकी sentence बिल्कुल सेम रहेगा। तो concept यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया ना, तो अब आप पहचानो कि sentence के अंदर ताता तीती तेथे लास्ट में लगाए तो एक्शन वर्ब लगी है या नो एक्शन वर्ब लगी है, और उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। अगर नो एक्शन वर्ब है तभी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना, अदरवाइज यूज्ड टू और वुड का यूज करके सेंटेंस को बना लो। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो, जाते जाते कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरोगेटिव, यानी कि जब किसी से आप सवाल करो तो कई बार ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जिसमें आपको बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा अजीब सा लगेगा सेंटेंस। देखिए क्या है, आपको किसने मारा, अब मैं आपसे पूछूं कि इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या है, तो आप बता सकते हो, आप ये कहोगे कि सब्जेक्ट आपको हो सकता है, लेकिन नहीं, मारा तो एक क्रिया है, आपको किसने मारा, जिसने आपको मारा वही तो सब्जेक्ट है, तो वो तो है ही नहीं। और जब ऐसा हो तब आपको सेंटेंस कैसे बनाना चाहिए, ध्यान से देखना, आपको किसने मारा, मान लो मैं बोलूं आपको रोहन ने मारा, तो मारने का काम रोहन ने किया, रोहन सब्जेक्ट हुआ, इसीलिए इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, आपको किसने मारा, तो सबसे पहले किसने के लिए आप लगाएंगे हु, उसके बाद आपको डेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये है इंटरोगेटिव फिफ्थ टाइप है, ध्यान रखना, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली आ गया ना, तो रूल क्या होता है डब्ल्यूएच फैमिली के बाद डेट लगाओगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, हु लगेगा सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। मारने की इंग्लिश क्या होती है, बीट, बीट की सेकंड फॉर्म हु बीट यू, आपको किसने मारा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, लेकिन साउंड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बीट बेट बीटन, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है ठीक है, हु बेट यू,
अब यहां पर देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर आपको किसने नहीं पढ़ाया तो कैसे बनाएंगे, हु डिड नॉट, हु डिड नॉट पढ़ाया, हु डिड नॉट टीच, हु डिड नॉट टीच यू, ऐसे बनेगा हु डिडंट टीच यू। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हो डिड नॉट का, तो कैसे बोलोगे हु डिडंट या फिर डिडंट, डिडंट या डिडंट, ठीक है, हु डिडंट टीच यू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हु डिडंट टीच यू। तो दोस्तों आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आप ऐसे सेंटेंसेस को भी इस तरह से बनाते हैं जिसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता, सब्जेक्ट होता नहीं है, तो डायरेक्ट हु के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के सेंटेंस बन जाता है और ये भी एक सवाल होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी कॉन्सेप्ट को सही से आज इस वीडियो में समझ लिया होगा। आज की जो ये वीडियो थी, ये थी डे 14 की। तो दोस्तों आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चुटकियों में कितना आसानी से हम समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, क्योंकि लगातार कंटिन्यूअसली जो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना बना कर दे रहा हूं, इन सभी वीडियोस को एक साथ सीरियल वाइज देखने के बाद तो आपको ऐसा फील हो ही जाएगा कि आपका जैसे कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चल रहा हो, और ये 90 डेज तक कंटिन्यूअसली वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंचे और वो भी इन वीडियोस का फायदा या बेनिफिट ले पाए। मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।